हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आप कोई काम किया करते थे इससे पहले, लेकिन अब वो काम आप छोड़ चुके हैं, अब वो काम नहीं करते, तो उस चीज़ को इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करना है? ठीक है, मिसाल के तौर पर वसीम अकरम क्रिकेट खेला करता था, मैं स्कूल जाया करता था, मैं पानी पिया करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ लड़ा करता था। ठीक है, तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं जिनमें हम देखते हैं कि कोई काम पहले तो रेगुलरली हो रहा था लेकिन अब वो काम हम छोड़ चुके हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज्ड टू को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज्ड टू, और उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखते हैं सेंटेंसेज कुछ। वसीम अकरम क्रिकेट खेला करता था, वसीम अकरम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं पानी पिया करता था, आई यूज्ड टू ड्रिंक वाटर, मैं अपने दोस्तों से लड़ा करता था, आई यूज्ड टू कॉल विद माई फ्रेंड्स। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे कोई काम पहले करते थे अब नहीं करते, तो यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे और बाद में वर्ब की पहली फॉर्म। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।